ठंड बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान गोपालगंज में 5 से 6 डिग्री तक चला जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से सदर अस्पताल में हीटर की व्यवस्था की गई है। उस तस्वीर को हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कि किस तरह से सदर अस्पताल में मरीजों के लिए एक खास व्यवस्था की गई है। तो आइए हम चलते हैं अस्पताल के अंदर और पूरी तस्वीर जो है वो दिखाते हैं कि अस्पताल के अंदर जो मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, चूँकि जैसे ही ठंड बढ़ती है तो मरीजों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने हीटर की व्यवस्था कर दी है। ये लाल क्षेत्र है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, और देखिए अंदर के ये जो मरीज़ का वार्ड है और ये सभी जो है मरीज़ यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हीटर लगाया गया है ताकि जो मरीज़ आए उन्हें इसका लाभ मिल सके और उन्हें ठंड से बचाया जा सके। इसी तरह से इस सभी वार्डों में हीटर की व्यवस्था की गई है। आगे की हम जो वार्ड है वो दिखाएंगे, वार्ड नंबर 1 है, इसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए वार्ड नंबर 1 में भी जो मरीज़ हैं वो यहाँ मौजूद हैं और उनके लिए खास जो है हीटर की व्यवस्था की गई है। वार्ड नंबर 2 की बात करें, वार्ड नंबर 3 की बात करें, सभी जगहों पर जो है हीटर की व्यवस्था की गई है ताकि उनको इससे लाभ मिल सके और उन मरीज़ों को ठंड ना लगे, उनको व्यवस्था दी जा सके। हालांकि जब गर्मी आती है तो गर्मी के लिए एसी लगाया गया है, प्रॉपर तरीके से एसी भी चलता रहता है। उसी तरह से ठीक ठंड में भी जो है हीटर की व्यवस्था की गई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, ताकि उन सभी मरीज़ों को उसका लाभ मिल सके। तो आइए हम जो यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बात कराते हैं आपको कि क्या कुछ वो इसको लेकर बता रहे हैं कि कितने हीटर जो है वो अस्पताल में लगाए गए हैं और किस तरह से अस्पताल को लेकर तैयारी की गई है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है और ठंड को लेकर क्या तैयारियां हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि जो अस्पताल है, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जो है हीटर की व्यवस्था की गई है, चूँकि ठंड बहुत बढ़ गई है और इसी को लेकर अस्पताल प्रशासन के द्वारा हीटर लगाया गया है ताकि जो मरीज आ रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। तो आइए देखिए कि ये पूरा जो है बेड है और इसमें कई बेड पर जो मरीज दिखाई दे रहे हैं, और इसी को लेकर हम यहाँ से अस्पताल जो प्रबंधक हैं उनसे बात करेंगे कि हीटर की जो है वो व्यवस्था की गई है, कब से ये हीटर लगाया गया है और कितना हीटर जो है वो लगाया गया है पेशेंट को लेकर। ठंडा का आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा ठंडा है, और पिछले संडे को बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण CSR का निर्देश हुआ कि सभी वार्डों में हम लोग हीटर लगा दें। तो हम लोग अभी व्यवस्था किए हुए जितने भी वार्ड हैं सभी वार्डों में हम लोगों ने हीटर लगा दिया है, और कंबल की व्यवस्था तो पूर्व से थी ही, ठीक है, और अभी इमरजेंसी में लेबर रूम में ये जगह व्यवस्था हुआ है। क्या मरीजों को उसका लाभ मिल रहा है, मरीज ले पा रहे हैं लाभ? बिल्कुल आप देख सकते हैं, अब हमारे यहाँ पर जो पेशेंट हैं हीटर से, आप रूम में भी अभी महसूस कर रहे होंगे कि ये रूम में अभी वातावरण एकदम नॉर्मल है, ठंडा बाहर में बहुत ज़्यादा ठंडा है लेकिन वातावरण रूम का अच्छा है, ये हीटर के कारण ही हुआ है। अच्छा, मरीज जो बाहर के लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अस्पताल में व्यवस्था नहीं मिलती है, तो उन लोगों के लिए खास क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था अस्पताल में दी जा रही है? बिल्कुल, हम लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं कि हमें और क्या ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम लोग प्रयास कर रहे हैं हो सकता है कि कमी हो, तो हम चाहते हैं कि सुझाव दे तो हम उसको भी पूरा करेंगे। और CSR ठंड को लेकर खास अस्पताल में क्या व्यवस्था है ये बता दीजिए। ठंड का देखिए अभी 3 जगह अलाव के लिए व्यवस्था है, हमारा लेबर रूम के पास है, हमारे SNCU के पास है, इमरजेंसी के बाहर भी है, इसके अलावा भी हम लोगों के हर वार्ड में हीटर भी लगा हुआ है, मरीजों के लिए कंबल की भी व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम लोग के अपने स्तर से है। उसके अलावा भी यदि अगर किसी को सलाइन चढ़ाना है या पानी चढ़ाना है तो हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं कि केतली से गर्म पानी में उसको टब में डाल के उसको पहले हल्का सा नॉर्मल कर लिया जाए, तब उसको पानी चढ़ाया जाए, डायरेक्ट उसको ना चढ़ाया जाए ताकि उसको ठंडा ना लगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सदर अस्पताल प्रशासन लगातार बढ़ते ठंड को लेकर अलर्ट मूड पर है और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सभी वार्डों में मरीजों के लिए हीटर की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें ठंड ना लगे और उन्हें सुरक्षित बचाया जा सके।